श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम त्रिपुरा रहस्य के अंतिम खंड में प्रवेश कर रहे हैं। अंतिम जो अध्याय है 22वां, इसके साथ त्रिपुरा रहस्य पूरा हो जाएगा। पिछले अध्याय में 21वें अध्याय में हमने ज्ञानी के जो भिन्न भिन्न प्रकार है उसके बारे में विचार किया। अब इस अध्याय में हमें समझदारी और अनुभूति, इसका भेद समझना है। कई बार जैसे कल हम गए थे कई महात्मा को मिलने के लिए, और उन्होंने अपने जिंदगी में 60 साल तक कीर्तन किया, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, एक दो दिन नहीं। और कल जब हम मिलने गए, पहले उनको हार्ट अटैक आया था, उस समय भी हम गए थे, और फिर बात हुई। अब उनके मन में इतना डर बैठ गया है, उनका अपना जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और उन्होंने आज तक जितना बताया भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से सब कुछ हो जाता है, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जो यमराज को भी पीछे लौटा देती है, वाक्य मात्र अर्थ रहित, और इसका प्रभाव लोकरंजन, लेकिन अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं, और इसीलिए व्यक्ति जो साधना साधना सोच रहा है कर रहा है वो क्या है, इसके बारे में हमको थोड़ा विचार करना है। अभी हम सातारा से आ रहे हैं, यहां सातारा में 5 दिन तक इसी विषय पर चिंतन हुआ, और बहुत अच्छा चिंतन हुआ है, उसकी सीढ़ी हो जाएगी तैयार। चिंतन इस प्रकार से रहा, आध्यात्मिक साधना माने क्या, क्योंकि हम लोग साधना साधना करते तो है, लेकिन इस साधना का अर्थ क्या है। जिंदगी कर्म 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 करने में बर्बाद करनी है, हमेशा पाप पुण्य जन्म मृत्यु नरक और स्वर्ग इसी से डरते डरते रहना है, या तो कर्म से डरो, या तो समाज से डरो, या तो भगवान से डरो, या तो पुण्य पाप से डरो, या तो मृत्यु से डरो। क्या पूरा जीवन डर डर के मरने में ही है? और हमारा जो अनुभव है वो ये है कि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हुए लोग जितने ज्यादा दुखी होते हैं उतने भौतिकवादी नहीं होते। ये सत्य है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आध्यात्मिक साधना माने क्या, यही मूलभूत बात अभी समझ में नहीं आई। भगवान शंकराचार्य कितने भी चिल्लाए, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम राम 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 राम।
ये जो राम का नाम निकल रहा है वो मुख के अंदर से नहीं, होठों के बाहर से निकल रहा है। देखो, जब राम का नाम उस स्थान से निकलेगा जहां शब्द और शब्द का अर्थ अभी अलग नहीं हुए, तब यह राम नाम का अर्थ प्रकट होते ही जीवन के सब समस्या समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले हमको ये समझदारी ठीक करनी है, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना माने क्या, इस पर बहुत गंभीर सूक्ष्म विचार हुआ। और इस विचार में यहां तक आ गए, स्वामी जी मालूम तो सब कुछ है, सातारा के मराठी लोग, स्वामी जी कळत पण वळत नाही। हमने इनको कहा कळत पण वळत नाही, पण वळवळते ना। देखो, अब जिनको समझ में नहीं आया वो रो। देखो, वह ज्ञान जो हमारे जीवन में उतरता नहीं वह बोझा है, और ऐसे जो ज्ञान का बोझा ढोने वाले हैं वो अपने जीवन में बड़े दुखी होते हैं। ये प्रसंग उपनिषद में आता है जिसमें नारद जी का प्रसंग है। नारद जी को सनत कुमार आदि ने देखा मुंह लटकाए हुए आ रहे, तो नारद जी को पूछा, अरे भाई तुम तो भगवान के बड़े भगत हो, मुंह क्यों लटकाए हो? बोले, मैंने 64 विद्याओं का अध्ययन किया है, और ये अध्ययन करने के बाद भी मैं शोक से पार नहीं जा पा रहा हूं। तो बोले, क्यों? पहले ये दुख था कि मुझे अज्ञान है, अब ये दुख है कि मुझे ज्ञान होने के बाद लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं लेकिन हूं मैं अज्ञानी। याद है आपको, तीन प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन पिछले बार आया था। एक ज्ञानी प्रवचन करते समय ब्रह्म, बाद में भ्रम। दूसरा ज्ञानी देहात्म भाव से ऊपर उठ गया है लेकिन व्यवहार के लिए अक्षम है। और तीसरा ज्ञानी देहात्म भाव से ऊपर उठ करके भी व्यवहार में सक्षम है। तो पहले प्रकार के ज्ञानी में हम लोग आते हैं, दूसरे प्रकार के ज्ञानी में आप लोग आते हैं। देखो, देहात्म भाव से कैसे उठ गए? दूसरों के लिए परेशान होते, बीबी के लिए, बच्चे के लिए, पोते के लिए। तो आप हमसे तो बड़े हैं ना, इसीलिए महाराज यह ज्ञान बहुत है, प्रवचन भी ऐसा देंगे कि अगले को भी डाउट होगा कि मैं ब्रह्म ही हूं शायद, लेकिन जहां तक के बोलने वाले का सवाल है वो ब्रह्म में निष्ठा पक्की है। इसलिए साधना, साधना माने क्या, आज तक हमने सब कुछ कर लिया है, बड़े कर्म किए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगला नहीं आता लेकिन ठीक है, जितने भी ये कोटेशन देने वाले होते हैं ना वो केवल इतना ही बोलते हैं, अगली तीन जो है पाद वो नहीं आते। देखो, गीता ने भी कहा है कर्म करो, कर्म करो, लेकिन काहे के लिए, किसके लिए?
आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो अंतकरण में किसी भी प्रकार की कामना का उदय नहीं होता, और यदि अंतकरण में कामना का उदय नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, तो मैं का जन्म नहीं होता। चैतन्य प्लस कामना इज इक्वल टू मैं, और जिंदगी भर मैं करते करते फिर एक यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में बकरे की बलि चढ़ती है। रोजा पूरा हो गया, अब चढ़ाओ। देखो महाराज, इस बात को स्पष्ट समझ लेना। कर्म करो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका प्रयोजन समझना है। कर्म का प्रयोजन पुनर्जन्म की सिद्धि नहीं, कर्म का प्रयोजन पाप पुण्य की निष्पत्ति नहीं, कर्म का प्रयोजन स्वर्ग नरक नहीं, कर्म का प्रयोजन लाभ हानि नहीं, कर्म का प्रयोजन कर्तव्य कर्म का बोझा नहीं। कर्म के सिद्धांत का प्रयोजन है कि इस देह के निर्मिति के पूर्व हम थे, अब है, बाद में रहेंगे, इसीलिए हमारा अस्तित्व अखंड है। उस अखंड अस्तित्व को पहचानना है, ये उसका प्रयोजन है। लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं। हमने ये उदाहरण आपको कई बार दिया है, इस उदाहरण को ठीक से समझ लेना। जैसे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, कौन बेवकूफ है खामोखाम पढ़ते रहेगा, खेलने कूदने में कितना मजा आ रहा है। तो उसके माँ बाप को सबको लगता है बच्चे ने पढ़ा लिख करके बड़ा होना चाहिए। पढ़ लिख करके कोई बड़ा हुआ है? तो उसको इंटरेस्ट है चॉकलेट में, और फिर माँ बाप या स्कूल में बच्चे को पढ़ाते वन चॉकलेट प्लस वन चॉकलेट इज इक्वल टू टू चॉकलेट्स। गुरु को लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया। आप भले कहो जोर से वन चॉकलेट प्लस वन चॉकलेट टू चॉकलेट्स, एम्फसिस किस पर दिया है? वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। बच्चे ने क्या सुना? वन चॉकलेट टू चॉकलेट्स। देखो, इसी प्रकार से परमात्मा किसको चाहिए? तो ये परमात्मा को हमको देने के लिए उसको जीव कर्म धर्म इसके रैपिंग में बांध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और हम उसी चमकीली कवरिंग में ही फंस गए। भगवद गीता कहती है मम युवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। भगवान कहते हैं मम युवांशो जीव लोके, मेरे ही वंश में उत्पन्न हुआ है जीव, संस्कृत का सत्यानाश। देखो, इसीलिए भैया हरेक का प्रयोजन समझ में आवे। जब ये प्रयोजन समझ में आता है तो उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव है मैं से निवृत्ति। ये आखिरी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसके आगे आपको कुछ नहीं जानना। हमको मैं से मुक्ति पानी है। अब इस मैं को लेकर के इसको अहंकार शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब एक अम्मा ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन होता है। नारायण प्रश्न यही है, कह 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 हस्बैंड क्या करूं मैं, रो और क्या।
तबला बजा के लो, मजा आएगा। उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी अहंकार की निवृत्ति की बात की जाती है और अंतकरण चतुष्टय में अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हमको समझ में नहीं आता कि अहंकार की निवृत्ति कैसी हो सकती है। तो हमने उस अम्मा को खूब गले लगाया, हमने कहा मम्मा यू आर ए जीनियस, अब सुनो ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म चिंतन के बाद निर्माण हो सकता है। जो छोटी छोटी बातों में सुखी दुखी होता है उसके लिए नहीं ये प्रश्न। देखो जैसे पंचमहाभूत तत्व है, इसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार भी तत्व है। जैसे पंचमहाभूतों से किसी भी प्रकार का बंधन इत्यादि निर्माण नहीं होता, उसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा भी कोई बंधन निर्माण नहीं होता। किसी भी वस्तु के अनुभूति में संकल्प विकल्पात्मक विचारों के स्थिति को मन कहते हैं, निश्चयात्मक स्थिति को बुद्धि कहते हैं, और अहंकार वह तत्व है जो पंचमहाभूतों को एक देह के रूप में पकड़ करके रखने की क्षमता, उसको कहते अहंकार। इस अहंकार का नाश करोगे तो देह छिन्न भिन्न हो जाएगा। सुषुप्ति में मैं नहीं होता लेकिन अहंकार जरूर होता है, इसीलिए सोए हुआ आदमी सड़ता नहीं और जो मुर्दा है वो सड़ने लग जाता है। कारण क्या है कि उस मुर्दे से अहंकार तत्व निकल गया है। तो फिर ये मैं जिसके कारण हम परेशान होते हैं, ये मैं महाराज है क्या? इसलिए हम चाहे उपनिषद पढ़े, भगवद गीता पढ़े, लेक्चर देवे, लेकिन यही बात यदि समझ में नहीं आई तो केवल भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के साधक आकर के प्रश्न पूछते हैं। हम ये जो उदाहरण दे रहे हैं किसी मार्ग पर टीका टिप्पणी या क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं, हमको समझना है और आगे बढ़ना है, और जो गलत समझे प्रभु उसका भला करे। जैसे एक मार्ग है कुंडलिनी का, अब इस कुंडलिनी के मार्ग पर गए हुए कई लोग हमसे मिलते हैं और यही प्रश्न, स्वामी जी एक सज्जन अपने एक कुंडलिनी महाराज को ले आए हमारे पास और उनको कहते स्वामी जी ये हमारे मित्र है और इनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है और इनके सब चक्र खुल गए हैं। मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ, खुल गए तो पकड़ लो बांध लो, मेरे बटन खुल गए। ध्यान से सुनना, आपके मन में यदि प्रश्न है तो आप स्वरूप से दूर हो। किसी ने कहा कि हमने पूरा का पूरा ताज इंटरनेशनल का मेनू कंठस्थ कर लिया है लेकिन अभी भूख बनी है, क्या करना चाहिए? मेनू को फेंक दो और चौपाटी पे जाकर के वड़ा पाव खाओ। देखो इसका उपयोग क्या है, काहे के लिए ये कुंडलिनी को जागृत किया? कुंडलिनी की जागृति माने क्या वो सो रही है? तो ये समझ जब तक ठीक नहीं होगी तब तक के हम कल्पना के क्षेत्र में रहेंगे, और ऐसे कल्पना के क्षेत्र में रहने वाले जो है वो हमेशा चमत्कार, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हो गई, वो ऐसे हो गए, फिर उनको आकर के किसी ने दर्शन दिया और बताया कि तुम ऐसा करो, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, और फिर उसी की राह देखते रहते। अब कौन आने वाले, अब कौन है, ज्ञानेश्वर आ गया, तुकाराम आएगा, फिर रामदास स्वामी आएंगे,
इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। ये सभी का सभी प्रकृति के क्षेत्र में होता है। अपने आप को जैसे देह समझना महापाप है, उससे भी बढ़कर के सुनामी पाप है अपने आप को जीव समझना, और इसलिए हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञानी के लक्षण क्या है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः तितप्रज्ञस्तदोच्यते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स कृत्स्न कर्म कृत्। सब एकदम कंठस्थ है, हृदयस्थ इसीलिए महाराज यह जो ज्ञान ज्ञान है, यह ज्ञान अभी तक बौद्ध प्रत्यय है या आत्मानुभूति है। बौद्ध प्रत्यय का अर्थ बुद्ध धर्म का नहीं है। बौद्ध प्रत्यय माने वह ज्ञान जो बुद्धि के वृत्तियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, उसको कहते हैं बौद्ध प्रत्यय। तो क्या हमारा जो जितना ज्ञान है यह केवल मानसिक प्रत्यय है या हमारी अनुभूति है? जिस अनुभव की स्मृति बनती है वह मानसिक प्रत्यय था, और जिस अनुभव की स्मृति नहीं बनती वह अपना स्वरूप है। देखो, आपको आपका बचपन याद होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या है मैं मुझको याद करता हूं? नहीं, स्मृति हमेशा मानसिक प्रत्ययों से अन्य के बारे में होती है। अपना आपा यह अपना अनुभव है। इसलिए जो लोग हमारे ध्यान के क्लास में आते हैं, हम उनको एक बात हमेशा बताते हैं कि ध्यान होने के बाद अब इसका कोई स्मरण मत करो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डोंट मेक ए मेमोरी आउट ऑफ इट। हाँ स्वामी जी, आपका आज का मेडिटेशन ऐसा जमा था, आइसक्रीम से भी बढ़िया। यह अनुभूति यदि केवल बौद्धिक अनुभूति होगी तो उसकी स्मृति बनेगी। इसलिए अब इस अंतिम अध्याय में आकर के ये जो हम ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है इसको समझ, और इसी प्रश्न को लेकर के 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। द्वाविंशोऽध्यायः श्रुत्वैवं राक्षस कथां रामो भृगुत्कुलोद्भवः पुनः पप्रच्छ अवधूत कुलेशं प्रश्रयाश्रयः भगवं किं तेन पृष्टं शापमुक्तद्विजेन वै हेमाङ्गे हेमाङ्गदेन किं प्रोक्तं एतन्मे कृपया वद कौतुक्यत्यन्तमत्राहम् न तदल्पम भवेत् क्वचित् इति पृष्ठ पुनः प्राह दत्तात्रेयो दयापरः। हमको पिछले अध्याय में याद है कि कैसी कथा थी। वह जो ब्रह्म राक्षस था, उस ब्रह्म राक्षस ने इस हेमांगद को अनेक प्रश्न पूछे, और उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद उन्होंने हेमांगद का भाई जो था रुक्मांगद, उसको छोड़ दिया, उसको नहीं खाया। और उसी समय वो अपने ब्रह्म राक्षस इस शाप से मुक्त होकर के
एक अत्यंत तेजस्वी मनुष्य बन गया। तो यह जो ब्रह्म राक्षस, ये जो कहानियां आती है ना, ब्रह्म राक्षस था और फिर वो बन गया, इसकी ऐसी कल्पना मत करना कि ब्रह्म राक्षस माने कोई भयानक विचित्र व्यक्ति था और बड़ा ज्ञानी था। ब्रह्म राक्षस माने हम लोग, ब्रह्म की बात करते हैं। राक्षस शब्द मालूम है कैसा बना है? साक्षर, उसको उल्टा पढ़ो राक्षस। एजुकेटेड इलिटरेट्स आर ब्रह्म राक्षस। देखो, एक बार किसी को हार्ट अटैक आया, हम उनको देखने गए। देखने के बाद उनको कहा, भाई कांग्रेचुलेशंस, यू हैव प्रूव्ड दैट यू हैव गॉट ए हार्ट। तो उनको लगा मैं जाकर के रोऊंगा धोऊंगा, लेकिन मैंने तो नहीं किया वो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। फिर एक बार वो हमको मिलने आए, और हमको उन दिनों में माइग्रेन बहुत होता था। तो जैसे वो आए, हमने कहा भाई चले जाओ, अभी हम बात नहीं करेंगे, हमको बहुत माइग्रेन हो रहा है, मर रहे हैं हम, जाओ। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले कांग्रेचुलेशंस। हमने कहा मैं अपने सर से फटने से मर रहा हूं, आपको मजाक सोच रही है? बोले आपको याद है मेरे हार्ट अटैक के बाद आप आए थे उस समय? हमने कहा महाराज, हार्ट आपका था, दिमाग मेरा है। देखो, इसको कहते हैं ब्रह्म राक्षस। जो वेदांत का उपदेश अन्य के लिए होता है और जो वेदांती अन्य को उपदेश करते हैं, वो सभी के सभी ब्रह्म राक्षस है। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल। देखो महाराज, वेदांत का उपदेश करने जैसा सिंपल और कुछ नहीं दुनिया में। कोई भी बेवकूफ इसको बोल सकता, इसलिए ये ब्रह्म राक्षस सभी के सभी प्रश्नों को एक ही व्यक्ति से उत्तर पा करके मुक्त हो गया। तो ये कहानी होने के पश्चात फिर ये भी कहा था कि उस ब्रह्म राक्षस ने, जो वसुमान नाम का विप्र था, ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, उसने फिर उस रुक्मांगद से प्रश्न पूछा, और उसके प्रश्न में उन्होंने उत्तर दिए और वो बड़े संतुष्ट हो गए। अब सवाल ये आया, अच्छा फिर उस वसुमान ब्राह्मण ने हिमांगद से क्या प्रश्न किए? कहते हैं कि यदि उस ब्राह्मण ने, जो मुक्त हो गया था शाप से, उसने क्या पूछा ये मुझे बताइए। कारण क्या है? कारण कि कोई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं पूछ सकता। ब्रह्म राक्षस शाप से मुक्त होने के बाद वह वसुमान ब्राह्मण ऐसे नहीं पूछ सकता, अच्छा थैंक यू वेरी मच, बाय द वे कोक कहां मिलेगा? ही विल नॉट आस्क ए क्वेश्चन ऑफ दिस क्वालिटी। इसीलिए मुझे बताइए कि उन्होंने क्या पूछा। और ऐसा जब कहा तो भगवान दत्तात्रेय जी ने उनको बड़ा प्रेम से बताया। क्या बताया? कहते हैं इति पृष्ठ पुनः प्राह दत्तात्रेयो दयापरः राम तत्ते प्रवक्षामि महार्थम तत् प्रभाषितम ततः पप्रच्छ वसुमान हिमांगम उपस्थितम। ऐसा जब वसुमान ने अपने को शाप से मुक्त पाया और फिर ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया, तो उसने हिमांगत को यह प्रश्न पूछा, राजपुत्र किंचिदहम पृच्छामि त्वं समीरय अहम अष्टक योगीशात् तदज्ञा शिशम आदितः। मैंने अष्टक ऋषि के पास जाकर के सभी की सभी तत्व की बातें जान ली और मैंने तत्व को अच्छी तरह से जान लिया, और आपने जो जो बताया उससे भी मेरा ज्ञान बहुत पक्का हो गया।
भूयः त्वया उक्त्या च सम्यक् विदितं परमं पदं किन्तु ते ज्ञात तत्त्वस्य कथं स्थितिर्यं भवेत्। कथं ज्ञात सुविज्ञेयः व्यवहारपरायणः ध्वान्त प्रकाशयो यद्वद् स्थितिरेकत्र सम्भवेत्। एतन्मे राजयन् राजतनय ब्रूहि सम्यक् यथास्थितम् इत्यापृष्ट प्राह हेमांगस्तदं ब्राह्मणोत्तमम्। अब उसका प्रश्न देखो क्या है कि तत्व के बारे में मैंने ये जो अष्टांग ऋषि थे उनसे अष्टक ऋषि से मैंने इस तत्व को जान लिया और आपने मेरे जो पिछले अध्याय में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए उसके द्वारा मेरा अब ज्ञान पक्का हो गया। फिर भी मुझे एक प्रश्न है, काहे का ज्ञान पक्का हुआ? प्रश्न यदि है तो ज्ञान काहे का पक्का हुआ? ऐसा ही प्रसंग भगवद गीता के 11वें अध्याय में आता है। 10वें अध्याय तक भगवान ने तत्व का निरूपण किया, 9वें अध्याय में बताया मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं त्वश्च अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। मैं निर्गुण निराकार सगुण साकार विश्व का आधार सबको आधार देते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसा जो मैं यह इन सभी द्वैत के प्रपंच से अलग हूं, ये बताने के बाद इस तत्व की प्राप्ति करने के लिए अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो संपूर्णता से एकाग्रता से अपने आप को मुझ में डाल देते हैं उनकी फिक्र मैं करता हूं। हो गई भक्ति। हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी, शब्द मात्र। और ये सब होने के बाद 10वें अध्याय में अर्जुन पूछता है भगवद गीता के, भगवान आपकी ये जो विभूतियां है ये कहां है क्या है? क्योंकि आपने कहा कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस योग और विभूति को युगपत समझता है जानता है उसी की निष्ठा दृढ़ है। फिर अर्जुन प्रश्न करता है कि कहां कहां आपके एड्रेस है जरा बताओ तो सही। तो भगवान ने उनको अपने 73 एड्रेसेस दिए विभूतियों का वर्णन। पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूं, पहाड़ों में हिमालय हूं, नदियों में गंगा जी हूं इत्यादि। उसके बाद 11वां अध्याय प्रारंभ होता है और अर्जुन वही बात करता है जो हम लोग करते हैं। हे भगवान आपने जो सब बताया इससे मेरा मोह चला गया। अच्छा, मोह चला गया? सबसे बड़ा मोह मेरा मोह चला गया यही है। और मेरा मोह चला गया है, अब आपका ये जो दिव्य रूप है क्या इसको मैं देख सकता हूं? हां जी जरूर देख सकते। भगवान ने शुरू कर दिया अपना DVD। और फिर अर्जुन मुंह नाक सब खोल के खड़ा है। ओ सॉरी, यू हैव टू पुट द 3D गॉगल्स। फिर भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम्। फिर उसको दिव्य दृष्टि देकर के पूर्ण विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया। विश्वरूप का दर्शन माने वह अनुभूति जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिच्छेद से रहित होती है, वो अनुभव देने के बाद अर्जुन पहले तो बड़ा अच्छा लगा। शंख चक्र गदा पद्म बड़ा सुंदर है, कृष्णा कृष्णा रामा रामा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर बढ़ता गया और फिर वहां
भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, अनेक योद्धा भगवान के उस विशाल मुख में प्रवेश कर रहे, सुनामी से भी भयानक, और उनके दांतों के बीच में किसी का गर्दन अड़क गई, किसी की टांग बाहर आ गई, और वो विश्वरूप भगवान अपनी जिह्वा से उनको समेट करके कहां भाग के जाते हो, और तलातड़ कटा कटा करके खा रहे। ये जब देखा तो अर्जुन कहता है, भगवान आप कौन है, मुझे डर लग रहा है, आपका मोह गया था ना। देखो यही मोह की लीला है, इसीलिए उसी प्रकार का प्रसंग यहां है कि हमने अष्टक ऋषि से सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपने जो बताया उसके कारण मेरा ज्ञान तो एकदम बिरला सुपर कॉन्क्रीट, अब कोई नहीं हिला सकता उसको, पक्का हो गया। तो अच्छा बढ़िया भाई, आपका ज्ञान पक्का हो गया, कांग्रेचुलेशन। नहीं, एक प्रश्न है, तो उस कॉन्क्रीट में क्रैक आ गए, इस एक चीज को पकड़ के रखो, हमें अपने चेतन अस्तित्व के बारे में प्रश्न या संदेह नहीं होते, जिसके बारे में प्रश्न या संदेह नहीं होता वही परमात्मा है। देखो हमको तो किसी के बारे में प्रश्न नहीं आता। हाँ एक है, ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला, लंच में क्या होगा, फिर डिनर में क्या होगा, वीआरएस के बाद एक ही है, बस खाते जाओ, बस सोते जाओ, कुछ नहीं। इसलिए मुझे ये बताइए, अब इसका प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न क्या है, किंतु ते ज्ञात तत्वस्य कथम स्थितिर्यम भवेत, कथम विज्ञात सुविज्ञेय व्यवहार परायण। अब इसको समझ लेना, जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, माने पिछले अध्याय में बताया था, जिसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। देखो सुषुप्ति अवस्था में हम देहात्म भाव का त्याग करते हैं तो उस समय जगत में कोई व्यवहार नहीं होता, और हे राजन, हे राजपुत्र, आपको ये ज्ञान इतना पक्का है, ज्ञात तत्व आपको ये सब मालूम है, इतना होते हुए भी ये किस प्रकार की बात है कि आप इस राज्य के व्यवहार में अपने आप को बिजी रख सकते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप देखो कैसी बात हो गई, पिछला अध्याय यदि उसको समझ में आता तो यह प्रश्न नहीं उठता। पिछले अध्याय में ज्ञानी के तीन स्तर बताए थे, पहला जो लेक्चर करते समय ब्रह्म, लेक्चर के बाद ब्रह्म, दूसरा ये पहले का देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ है, दूसरे का देहात्म भाव समाप्त हो गया है लेकिन वह जगत में कार्य करने के लिए लायक नहीं, और ऐसे जो महात्मा अवधूत होते हैं उनके साथ रहना बहुत असंभव हो जाता है। देखो हम लोग जो पोथियां पढ़ते हैं ना ऐसे अवधूतों की, जैसे शिरडी साईं बाबा की पोथी पढ़ो आप, उसी प्रकार से जैसे गजानन महाराज की पोथी पढ़ो, उसमें जो लिखा है वैसा नहीं था, ये तो लिखने वाले के सरस्वती का विस्तार है। गजानन महाराज हार्डली किसी से बात करते थे, वो पत्थर मारेंगे या गाली देंगे, लेकिन लिखते समय उन्होंने उसको ऐसे प्रस्तुत किया कि उनके उन क्रियाओं के माध्यम से तत्व को प्राकट्य मिला है। इसीलिए जिंदा महात्मा को लोग ज्यादा नहीं मानते, मूर्ति को मानते।
शिरडी साई बाबा को अपने 8 साल आखिरी में 80 साल जिंदा रहे हो, लेकिन उनको स्वीकृति जगत के द्वारा आखिरी में जाके मिली। कारण वो जगत में व्यवहार नहीं करते, देहात्म भाव से ऊपर उठने के बाद व्यवहार न करना यह ज्ञान की दूसरी भूमिका है। इसीलिए कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनना ये व्यावहारिक जीवन नहीं है। देखो, और उसकी आगे की स्थिति क्या है? उसके आगे की स्थिति है देहात्म भाव नष्ट हो गया है, लेकिन व्यवहार में कुशलता ज्यों के त्यों बनी है। इसीलिए इस प्रसंग को समझाने के लिए कथाएं आती है। गोपियों को दुर्वास ऋषि के लिए खाना ले जाना था और यमुना जी बह रही है बीच में, उन दिनों में पुल नहीं बने हुए थे, तो कन्हैया के पास गई, भैया हमको उधर जाना है, क्या करें कुछ बताओ। तो बोले कोई बात नहीं, जाकर के यमुना जी को कह दो यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो तुमको जगह मिल जाएगी। जैसा भगवान ने ये कहा गोपियों को कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो जगह मिल जाएगी, सभी की सभी कुकुकुकुकुकु अपने आप में हंसने लगी। ये अहिर का छोरा ब्रह्मचारी लड़कियों में घूमता रहता है 24 घंटे आगे पीछे, और ये ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी माने क्या? जो कड़वा है। करेले को नीम का रस देने के बाद जो तैयार होता है वो ब्रह्मचारी है। और ये अधरम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये ब्रह्मचारी। एनी वे ट्राई मारते हैं। और गोपिया गई जमुना जी के पास और कहा यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें जगह मिल जाए, और मिल गई। ये कैसे संभव है? देखो महाराज, यस्य नाहंकृतो भावः, पूरी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के अनुभूति के वाक्य है। यस्य नाहंकृतो भावः, बुद्धि ही अस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसमें कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण अभाव है, उसके द्वारा कर्म निष्पन्न नहीं होते, और इसीलिए उसके बुद्धि पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होते, और इसीलिए उसके कर्म राग द्वेष प्रेरित नहीं है। ऐसा यदि पूरे दुनिया को भी मार डाले तो भी उसको मारने का पाप नहीं लगता। देखो भैया, यह जो ज्ञान की स्थिति है, यह ज्ञान की स्थिति व्यवहार के द्वारा बाधित नहीं होती, और यही बात इस वसुमान ब्राह्मण को समझ में नहीं आई थी। इसीलिए ये कहते हैं कथम ज्ञात सुविज्ञेयः व्यवहार परायणः ध्वांत प्रकाशयोः यद्वद् स्थिति एकत्र संभवेत। ये कभी संभव हो सकता क्या कि अंधेरा और प्रकाश साथ साथ रहे? ध्यान से सुनना, व्यवहार अज्ञान का क्षेत्र है, व्यवहार में त्रिपुटी की आवश्यकता है, व्यवहार में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी बनी रहती है, व्यवहार में कर्ता कर्म और करना ये बना रहता है। तो ऐसा जो व्यवहार द्वैत को स्वीकार करता है, ऐसा व्यवहार परायण पुरुष उस अद्वैत स्थिति में कैसे रह सकता है? माने या तो अंधेरा होगा या तो प्रकाश होगा, या तो ज्ञान होगा या तो अज्ञान होगा। इसीलिए आप हमको बताइए,
आप इतने ज्ञानी हो फिर भी आप इस प्रकार के व्यवहार में कैसे लगे हो, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। देखो महाराज, जब ऐसा कहा, इत्यापृष्टः प्राह हेमांगस्तदम् तम ब्राह्मणोत्तमम् ब्रह्मन्ते भ्रांतिरद्यापि न सम्यक् प्रविनाशिता व्यवहारेण किं ज्ञानं बाध्यते स्वात्मसंभवं व्यवहार वशाज् ज्ञानं बाध्यते च ततः कथं पुरुषार्थस्य लाभः स्यात् स्वप्न ज्ञान समेन वै सर्वोपि व्यवहारोऽयं ज्ञानमाश्रित्य संभवेत् तज्ज्ञानं बाध्यते तेन कथं तन्मे समीरय। अब इसमें यह जो हेमांगद है राजपुत्र, वो इस वसुमान ब्राह्मण को सीधा सीधा लथाड़ना शुरू कर देता है। क्या कहते हैं कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे वसुमान, हे ज्ञानी, हे समझदार, हे पढ़े लिखे, हे एजुकेटेड इलिटरेट, अभी तक आपका भ्रम नष्ट नहीं हुआ। आपने जो कहा ना, मुझे ज्ञान हो गया है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। इसको स्पष्ट समझ लेना। आपको एक ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, जिसके बारे में आपके अंतकरण में कोई भी प्रश्न नहीं उठता, उसका चिंतन शुरू करो। और उस चिंतन में रहते हुए आंखें खोल के दुनिया को देखो। आपका ज्ञान दर्पणवत होगा, सबको प्रकाशित करेगा, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित ज्ञान मानसिक प्रत्यय है, प्रकाशक ज्ञान शुद्ध चेतन अस्तित्व है। और ये करना नहीं है, ऐसा है ही। अब इसमें कहां विरोध है? स्वप्न में जागृत पुरुष का विरोध भले हो सकता है, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न इन दोनों का भले विरोध हो सकता है, लेकिन शुद्ध चैतन्य का विरोध इन तीनों अवस्था में नहीं है। जो शुद्ध चेतना, जो शुद्ध चैतन्य इन तीनों अवस्थाओं को सहज भाव से प्रकाशित करते हुए किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वहां आपकी बैठक बैठ जाए, तब आपको समझ में आएगा। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। फिर व्यवहार आपकी निष्ठा को कलुषित नहीं कर सकता। और इसीलिए हेमांगद कहते हैं वसुमान से कि देखो, अभी आपका जो ब्रह्मन्ते भ्रांति अद्यापि न सम्यक् प्रविनाशिता, हे ब्रह्मन्, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, अभी आपकी जो भ्रांति है ना, अभी खत्म नहीं हुई। देखो एक बात समझाऊं आपको मैं। योगा के चक्कर में जब हम फंसते हैं, योग के नहीं, योगा, जब योगा के चक्कर में जब हम फंसते हैं, तो हमारे लिए योगा का मतलब क्या है? केवल आसन। पतंजलि योग दर्शन में आसन को लेकर के एक सूत्र दिया है, और जितने ये योगी है आसन के ही पीछे पड़े रहते, ये आसन करो, वो आसन करो, रोज 4 घंटे आसन करना चाहिए, ये करना, वो करना चाहिए।
आसन की स्थिति आती है कब? पहले यम, फिर नियम, फिर आसन की स्थिति आती है। और बिना यम नियम के जब आसन करते हैं तब केवल एक्रोबैटिक हो जाती है और कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब हम विवेक और वैराग्य, उपासना और धर्माचरण इससे रहित होकर के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शब्द पांडित्य बढ़ जाता है, अनुभूति का नाम शेष हो जाता है। इसीलिए अपने हृदय में जब तक के वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, अपने हृदय में जब तक के विवेक परिपक्व नहीं हुआ, तब तक के ये शब्द केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। और एक बार आदमी इस शब्द के जाल में फंसा, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, कहीं भी हाथ लगाओ फट से श्लोक निकल आता है, लेकिन अंदर में गड़बड़ घोटाला। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं वसुमान को कि हे ब्रह्मन् ते भ्रांति अद्यापि न सम्यक प्रविनाशिता, व्यवहारेण किं ज्ञानं बाध्यते स्वात्म संभवम्। अपने स्वरूप में रहने वाला जो ज्ञान है वो व्यवहार के द्वारा कैसे बाधित होगा? आप देखो, आप अपने पत्नी के सामने हो तो व्यवहार क्या करोगे? पति हो शांत होकर के चुप से सुनना शुरू करो। व्यवहार हो रहा है, यू शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय योर वाइफ बिकॉज शी गिव्स यू साउंड एडवाइस, 99% साउंड, 1% एडवाइस। तो ये व्यवहार हो रहा है। अब इस व्यवहार में आप केवल पति मात्र नहीं हो, शादी के पहले सुखी थे फिर बाद में पति हो गए, ये आपका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए व्यवहार के कारण अपने होने का ज्ञान, इसमें कोई खोट नहीं आती। और यदि हमको ऐसे लगता है कि तत्व ज्ञान होने के बाद व्यवहार असंभव है तो हमने सब कुछ गलत समझ लिया है। इसीलिए हम 10 बार आपको बोले और बोलेंगे, किसी आश्रम में मत जाना, अपने घर को आश्रम बनाओ। वहां जाकर के मैनेजर से गर्म पानी के लिए झगड़ा करने के स्थान पर घर में बीबी के साथ बिना झगड़े से गर्म पानी पीता, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, बीबी के साथ प्रेम से रहो, इससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं। देखो, नहीं तो फिर यहां जाएंगे वहां जाएंगे, वहां जाके करेंगे क्या? यहां आपके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो घर जाओ। इसीलिए अपने समझ को ठीक कर लेना है। तो कहते हैं कि व्यवहारेण किम ज्ञानम बाध्यते स्वात्म संभवम, व्यवहार वशात ज्ञानम बाध्यते च ततः कथम पुरुषार्थस्य लाभः स्यात् स्वप्न ज्ञान समेन वै। यदि व्यवहार के कारण यह जो अपने स्वरूप का ज्ञान है वो यदि बाधित हो जाए तो वो तो ज्ञान स्वप्न के ज्ञान के समान ही हो गया। ध्यान से सुनना, स्वप्न में आपको लॉटरी लगी और पैसा मिला और आप इतने खुश हो गए कि आपका सपना टूट गया, और जागृत अवस्था में आने के पश्चात स्वप्नावस्था की अमीरी वहीं खत्म हो गई। इसी प्रकार से यदि अपने स्वरूप की निष्ठा जगत के व्यवहार के कारण टूट जाती है
तो वह जो स्वरूप निष्ठा थी वह एक सपना मात्र था, असली नहीं था। देखो एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट समझ लो, हमारे उत्तर प्रदेश में स्पष्ट नहीं होता, एकदम क्लियर। और जब इसमें हम निष्ठावान होते हैं तब शांति रहे या अशांति रहे हमें कोई फर्क नहीं। अभी हम वहां मेडिटेशन की क्लास ले रहे थे तो एक अम्मा ने आके मुझे पूछा, स्वामी जी आपका मेडिटेशन बड़ा विचित्र है। हमने कहा मैं क्या करूं बताओ, मैं वैसे चेंज करूंगा अपने आप को। बोले आप मेडिटेशन के पहले ओम नहीं कहते, आप मेडिटेशन के पहले सब लाइट ऑफ नहीं करते। हमने कहा मेडिटेशन करना कोई पाप है क्या कि अंधेरे में करना चाहिए? और ओम काहे को करना, हमारा गला साफ है। जब गले में खराश हो तब करो ओम। ये बाहर के नाटक में इतने फंस जाते हैं। देखो अपना जो स्वरूप है, जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति के कारण जिसमें खोट नहीं आती, क्या प्रकाश के कारण उसमें खोट आएगी? क्या अंधेरे में परमात्मा का प्रकाश जरा ज्यादा होता है अगरबत्ती के जैसा? नहीं। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। इसीलिए किसी भी हालत में अपने इस चेतन सत्ता से जो कभी पदच्युत नहीं होता, उसके लिए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है वो इस द्वैत के जगत में रहते हुए भी अद्वैत की निष्ठा की हानि नहीं होने देता, और जो अद्वैत निष्ठा में है इसीलिए द्वैत के जगत से भाग करके जंगलों में नहीं जाता। देखो महाराज, इसीलिए यह ज्ञान व्यवहार के कारण बाधित नहीं होता। अब देखो, यदि अपने स्वरूप का ज्ञान व्यवहार के कारण बाधित नहीं होता तो फिर कितने दुनिया भर के हम अपने आप पर नियम लाद करके अपने आप को सबसे अलग करके हम स्पिरिचुअल बन गए। हम कल एक महात्मा के पास गए थे गांव में सातारा से, और 2 साल पहले गए थे, हमको याद भी नहीं था। हम तो डेली बेस पर रहने वाले, वहां के वहां रह के खत्म कर देते। तो उन्होंने कहा, उनके यहां गए और उनके अंदर का जो किचन है बिल्कुल गांव का स्थान है, अभी भी वहां लकड़ी जला करके उसके ऊपर में वो भाकरी बनाती है हाथ से, इतनी लंबी चौड़ी गोल भाकरी। और हमने अपना मेनू दे दिया, ऐसा ऐसा बनाओ, और हम चूल्हे के पास बैठ के खाना खाते, बड़ा मजा आया। बोले स्वामी जी आपको याद है? मैंने किस चीज का? बोले पिछले बार हमारे कुटुंब ने पूछा था आपको कि स्वामी जी फिर कब आएंगे, आपने कहा 2 साल के बाद, और आपको याद है आज एग्जैक्टली 2 साल हो गए और आपने अपने वचन का पालन किया। हमने कहा ताली बजाओ। देखो इस जगत में रहते समय हम किसी भी स्थान में कैसे भी रहे, बाहर की कोई भी देशकाल वस्तु हमको प्रभावित नहीं कर सकती। तो जब हम खाने के लिए बैठे तो उन्होंने सबको सब कुछ दे दिया और कटा हुआ प्याज हमारे थाली में नहीं डाला,
हमने कहा कि हम नहीं खाना खाएंगे। नहीं क्यों? हमने कहा आप क्या भेदभाव है? बोले नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत करना। बोले हम नहीं खाएंगे खाना। हमने देखो क्या क्या है सबके थाली में, वही हमारी थाली में होना चाहिए। फिर उन्होंने देखा स्वामी जी सब तो दिया ने, नहीं झूठ बोले। फिर से देखो और देखो स्वामी जी हाँ आपके इसमें प्याज नहीं है। फिर क्यों नहीं दिया? आप तो स्वामी है, स्वामी लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। हमने कहा वो नाटक बाहर है, यहाँ का दूसरा नाटक चल रहा है, यहां मैं प्याज खाऊंगा। प्याज खाने से परमात्मा भाग जाता है तो भगोड़े परमात्मा से भागो। अपनी निष्ठा को जगत के किसी भी व्यवहार से चोट नहीं आती, अन्यथा पूरा जीवन डर डर के रहेंगे। और जब इस चेतन अस्तित्व में निष्ठा हो गई तो उसमें मैं का अस्तित्व गायब हो जाता है। मैं का जन्म होता है, अब हमने जो पहले प्रश्न उठाया था उस अम्मा ने जो हमको पूछा था कि अहंकार का त्याग करे माने क्या, अब समझ लो क्या है वो। देह के साथ तादात्म्य होने के बाद जो मैं है वह हमको परेशान करता है। पंच महाभूतों को इकट्ठा करके देह के आकार में रखने वाला जो अहंकार तत्व है वो हमको परेशान नहीं करता। तो कौन सा मैं है जिससे हमको मुक्ति पानी है? जो मैं देहात्म भाव से उत्पन्न होता है उस मैं से हमको मुक्ति पानी है। अब यह जो राजा हेमांगद राजपुत्र जो जगत में व्यवहार कर रहा था, उस व्यवहार की क्या स्थिति है? देखो ये जो व्यवहार करने वाला था ये राजपुत्र था या यह चेतन अस्तित्व था? देखो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। अब यदि आपके सुनने में सुनने वाला पैदा हुआ तो समझने का प्रयत्न करेगा और एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और यदि बोलने वाले में यदि बोलने वाला पैदा हो गया तो उसको कहते हैं वक्ता। हमारे उत्तर प्रदेश में वो नहीं होता, ये बड़े अच्छे वक्ता है। अभी हम गए थे वाराणसी, सुन के आए। हमने बहुत महात्माओं को सुना है लेकिन हमारे स्वामी अनुमानंद जी के जैसे वक्ता कोई है ही नहीं। और सबसे बढ़िया बात मालूम है कि मुझे सीरियस रहना पड़ता है कि मैं अच्छी बकवास कर रहा हूं। नारायणा, तो यह बोलने वाला या ये जो बोलना चल रहा है इसमें आपकी स्थिति कहां है? बोलने वाला पैदा हुआ तो मैंने अच्छा लेक्चर दिया, मैंने बुरा लेक्चर दिया। और यदि बोलने वाला पैदा नहीं हुआ तो केवल बोला गया, इस तत्व को जब हम समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और उस तत्व में निष्ठा प्राप्त करके जब अपना जीवन जीते हैं तो व्यवहार के कारण अपने आत्मज्ञान में कोई भी खोट नहीं आती। कितनी सहज और सरल बात है।
इसका तात्पर्य क्या हुआ? जिस व्यवहार में मैं पैदा होता है वह ईगो का व्यवहार है, और जिस व्यवहार में मैं पैदा नहीं होता वह परमात्मा की स्थिति है। ये बड़ा असंभव है जी। नहीं, असंभव नहीं है। हम लोग रोज खाना खाते हैं, खाना खाते समय ये मैं पैदा होता क्या? डिस्टर्ब नॉट, डाइजेशन इन प्रोग्रेस। नहीं, खाने के बाद डाइजेशन करने वाला पैदा नहीं होता, डाइजेशन होता है। इसी प्रकार से अपने प्रत्येक व्यवहार में यदि मैं निर्माण नहीं हुआ तो वह कार्य प्रकृति के क्षेत्र में है, और जब वह कार्य प्रकृति के क्षेत्र में चला जाता है तो पुरुष प्रकृति के संयोग से जो असंभव निर्मिति है मैं, वो गायब हो गई, और तब जाकर के अपनी निष्ठा पक्की हुई। इसलिए व्यवहार के द्वारा या व्यवहार के कारण हमारा यह ज्ञान कभी भी कलुषित नहीं होता, और यदि कलुषित हो रहा हो तो हमने केवल इस आत्मज्ञान की कल्पना मात्र करी है। इसीलिए हमने आपको पहले बताया, सबसे बड़ी भ्रांति रियलाइजेशन की है। जैसे एक सज्जन ने हमको पूछा कुंडलिनी के बारे में, स्वामी जी अब हमारे सब चक्र खुल गए, कुंडलिनी जागृत, अब हम क्या करें? अब खुलने के बाद क्या करते हैं? बंद करते हैं, तो बंद कर दो। प्रश्न बना है ना, प्रश्न बना है तो आप अपने स्वरूप के पास नहीं पहुंचे हो। ये सब मानसिक प्रत्यय है, इसमें से हट जाओ। किसी भी प्रकार का अनुभव आपको हो रहा हो, प्रत्येक अनुभव मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिना अनित्याः तान्ति दीक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव हो, चाहे आपको किसी भगवान के दर्शन का अनुभव हो, ध्रुव को नहीं हुआ था, बचपन में ही हुआ था, 5-5.5 साल की उम्र में, और ये भगवान का दर्शन होने के बाद भगवान ने उसके गाल को अपना सेलफोन लगाया था, और उसके बाद उसने बहुत बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, योन तप प्रविश्य, जो सबके अंदर में प्रवेश करके इस वाणी को प्रज्वलित करता है, उस अक्षर पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। अत्यंत सुंदर प्रार्थना है। ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन होने के बाद फिर ध्रुव को इस पृथ्वी का राज्य मिला, और जब वो राज्य कर रहा था उस समय उसका जो सौतेला भाई है उत्तम, उसको निषादों ने, ट्राइबल लोगों ने मार दिया। ये जंगल में गया होगा कुछ करने के लिए, डैम बनाने के लिए, तो निषादों ने उसको मार दिया। तो मार दिया तो ध्रुव को आया गुस्सा, और जाकर के मैं पूरे निषादों को समाप्त कर दूंगा, और सबको इसने मारना शुरू कर दिया। उस समय मनु जी आते हैं और कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम्हारे भाई को किसी ने मारा तो उसको तुमने मारा तो ये बात समझ में आती है, पूरे जाति को नष्ट करना ये काहे की समझदारी है? लोग यही कहेंगे कि जिनको भगवान के दर्शन होते हैं उसका क्रोध खत्म नहीं होता, जैसे तुम्हारा नहीं खत्म हुआ। क्रोध यह मानसिक प्रत्यय है। देखो महाराज, इसीलिए किसी भी चीज में मत फंसना।
नहीं तो ध्यान के लिए बैठेंगे, अब आपको कोई यहां चक्र दिख रहा है और दिव्य प्रकाश दिख रहा है, होने दो, आएगा जाएगा। जिसमें आवागमन लगा है वह परमात्मा नहीं है। देखो इस स्थिति में जो आप हो ना अभी, अब पता नहीं क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, बस यही है वो, ये तद वही तद, दिस इज दैट, नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। जैसे एक सज्जन वहां आते थे प्रवचन के लिए, हाथ में ऐसी माला लेकर के, राम 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 राम, ये राम राम शब्द बिना अर्थ के केवल नॉइज करता है, लेकिन वही राम यदि आपके पश्यंती वाणी से प्रकट होवे तो उस राम शब्द का अर्थ जब जीवन में उभरता है तो जीवन में रस आता है, क्योंकि राम रस है। रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। पर जब तक के ये राम रस अपने जीवन में प्रकट नहीं होता, तब तक के हमने राम का नाम लेकर के केवल पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। जैसे होता है ना, रात का जगरत्ता, उत्तर में चले जाओ, वो देवी को जगाते जगाते पूरे पब्लिक को जगा देते हैं। इसीलिए भैया सूक्ष्मता से अपने स्वरूप के पास जो बैठा है उसके पश्चात ये जगत के व्यवहार चल रहे हैं। तो सबका निचोड़ क्या निकला, मैं से मुक्त होना है। जो मैं से मुक्त हुआ है उसको कोई प्रश्न नहीं, उसको कोई संदेह नहीं, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्यों कि वह अब केवल शुद्ध चैतन्य में स्थित हो गया है। और इस शुद्ध चैतन्य में देश का, काल का और वस्तु का अस्तित्व नहीं, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित अनुभूति को कहते हैं अपने स्वरूप में निष्ठा। और यदि हम कहें कि हमने बड़ा पढ़ा है, क्या है जी, लेकिन हम आपको बताएं कुछ नहीं होता, हमने बहुत मालाएं फिराई है, राम 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 राम, देखो ना ये जो माला है ना ये 24 भी है, 23 ऐसे घिस घिस के खत्म हो गई, केवल धागे ही बचे, माला के मणि खत्म हो गए, और मेरी उंगली देखते हो उंगली भी छोटी हो गई, राम राम घिस गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसको, राम को कि तुमको। इस राम को हृदय में प्रकट होना है और वह तब होगा जब ये समझ स्पष्ट होगी, श्री राम शब्द यदि उसका अर्थ प्रकट नहीं हुआ तो वो केवल एक नॉइस है और कुछ नहीं। जैसे कई बार डॉक्टर लोग हमको डराते हैं, स्वामी जी आपको मेलिना हो गया, तो हमको अच्छा लगा, जो लवीना की सिस्टर है क्या मेलिना, तो हमको तो उसमें मजा आया, डॉक्टर को परेशानी, ऐसे आप मजाक मत करने से, वेरी सीरियस डिजीज। अब उस मेलिना का जब अर्थ ही मालूम नहीं तो काहे को सीरियस होंगे। इसी प्रकार से राम का अर्थ ही मालूम नहीं, जब राम का अर्थ ही मालूम नहीं तो जीवन में रस कहां से आएगा। इसीलिए जो ज्ञान व्यवहार में नष्ट होता है या बाधित होता है वह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान की भ्रांति है। इसीलिए कहते हे राजन, हे ब्राह्मण, आपका अभी भ्रांति का प्रभाव कम नहीं हुआ,
आप तो केवल ऐसे ही कल्पना कर रहे हो। ब्रह्मन्ते भ्रांतिरद्यापि न सम्यक् प्रविनाशिता व्यवहारेण किं ज्ञानं बाध्यते स्वात्म संभवम्। व्यवहार के द्वारा अपने स्वरूप की स्थिति में कोई खोट नहीं आती। इसका अगला प्रसंग कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।